हे गाइज, आपका स्वागत है वीआरडू की एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर एक प्रॉपर्टी ब्रोकर या एजेंट वेबसाइट क्रिएट करना जानेंगे। यदि आप खुद की प्रॉपर्टी ब्रोकर वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो या सिंपली एक वेबसाइट क्रिएट करना सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम सभी चीज़ें फ्री इस्तेमाल करके एक फुल्ली प्रॉपर्टी एजेंट वेबसाइट क्रिएट करना जानेंगे। इसके अंदर आप जो भी प्रॉपर्टी है वो रेंट या सेल पे लिस्ट कर सकते हो और कई सारे ऐसे फीचर हैं जो कि प्रॉपर्टी के बारे में आप शो कर सकते हो यूजर्स को। तो कैसी वेबसाइट है चले जानते हैं। जैसे कि मैंने बोला, फ्री चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। यदि आपको कई सारे एडवांस ऑप्शन चाहिए तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। बट फ्री में आप कहाँ तक जा सकते हो और क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हो वो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास लोगो आ रहा है, यहाँ पे फ़ोन नंबर आ रहा है, साइड में हमने जो है नेविगेशन बनाया है, कुछ लिस्टिंग इसमें आएगी, होम पेज का ये है, रजिस्टर कर सकता है यूज़र, लॉगिन कर सकता है यूज़र, उसके बाद कॉन्टैक्ट भी कर सकता है आपको। यहाँ पे हमारे पास सर्च है विद एडवांस फंक्शन, लाइक स्टेट को फिल्टर करके, सिटी को फिल्टर करके, प्रोविजन को फिल्टर करके आपको सर्च कर सकता है, जो भी प्रॉपर्टी है वो सर्च कर सकता है, और एड्रेस, सिटी, जिप कोड या जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी कीवर्ड जो मैच होगा उससे यूजर कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे सर्च कर सकता है एडवांस सर्च के थ्रू। नीचे आओगे, यहाँ पे हमने लिखा है ऑल लिस्टिंग, यहाँ पे कुछ मोस्ट रिसेंट, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस, फीचर्ड प्रोडक्ट हैं, और प्रोडक्ट में क्या है, हमारी ये जो लिस्टिंग है ये हमारे एज अ प्रोडक्ट मान के चल सकते हो, लिस्टिंग है ये हमारी। मैं माफ़ी चाहता हूँ पीछे से अगर आपको थोड़ा सा साउंड आए, बैकग्राउंड नॉइस आए, तो उसको आप मैनेज कर लेना। मैं मेन रोड पर हूँ और जो कमरा है वो ज़्यादा भरा नहीं है, काफ़ी खाली है, तो इस वजह से आपको हो सकता है बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे, तो उसको इग्नोर करना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारी कुछ लिस्टिंग है। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास इमेज आ रही है, ऊपर आ रहा है फीचर होट, और कई सारे आप यहाँ पे टैग लगा सकते हो जो कि ऊपर देखेंगे कितनी इमेजेज है वो आ रहा है। उसका यहाँ पे टाइटल आ रहा है, यानी कि क्या है उस, जो भी घर है, विला है, स्टूडियो है, जो भी है उसका नाम क्या है। रेट आ रहा है, कोई भी पर्सन विश लिस्ट में ऐड कर सकता है। यहाँ पे नीचे कितने स्क्वायर फीट की वो ज़मीन है या वो एरिया है, साथ के साथ कितने बेडरूम है, कितने बाथरूम है, एंड बाकी डिटेल्स डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आएंगे। वैसे सिमिलरली सब में सेम है, ओपन हाउस और कई सारी कैटेगरी में आप बांट सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे और भी ज़्यादा होते तो नीचे हमारे पास पेजिनेशन आता है 1, 2, 3, 4 पेज का। उसके बाद हमारे ये जो है फुटर है, उसके बाद सोशल लिंक है, उसके बाद हमारे पास कॉपीराइट है, ठीक है। ये तो है हमारी कुछ लिस्टिंग, अगर मैं लिस्टिंग में जाऊं तो सेम आएगा, बट यदि आप चेंज करना चाहते हो लिस्टिंग का व्यू, शायद आपको ये जो ग्रिड बॉक्स व्यू है नहीं चाहिए, आपको लिस्ट व्यू चाहिए, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है। आप एडवांस सेटिंग का इस्तेमाल करके लिस्ट व्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मैंने ये जो ग्रिड व्यू है वो रखा है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कोई पोस्ट ओपन करके देखते हैं, यानी कि जो भी लिस्टिंग है वो ओपन करके देखते हैं। साइड में हमारे पास आ रहा है कि कॉन्टैक्ट का, कि कोई भी पर्सन इससे रिलेटेड आपको कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। यहाँ पे आपका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और डिटेल लिखेगा, एग्री करने के बाद सेंड कर देगा तो आपके पास उसकी डिटेल आ जाएगी। सेल पे कितने में है वो यहाँ पे लिख रखा है। ऑप्शनल प्राइस नोट अगर आप लिखना चाहते हो इसके नीचे वो आप लिख सकते हो, और वो आपको दिखेगा भी कहाँ से आपको लिखना है जब मैं आपको लिस्टिंग करना सिखाऊंगा। यहाँ पे बेसिक फैक्ट है कि उसके बारे में डिटेल, कि कब ये जो है प्रोडक्ट यानी कि लिस्टिंग आपने ऐड करी है, कितने बेडरूम है, कितने बाथरूम है, कितने फ्लोर है, कितना एरिया है, लोड साइज कितना है, कौन से टाइम पे बिल्ड करा गया है, स्टेटस क्या है, यानी कि ये क्लोज है, ओपन है, बिक चुका है, जो भी है वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। टाइप क्या, ये ऑफिस है, घर है, स्टूडियो है, क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में चलते हैं, नीचे हमारे पास इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है जो भी आप दोगे। बाकी फीचर में चलते तो फीचर आता कि क्या क्या है, कूलिंग, गराज, गार्डन, हीटिंग, पार्किंग, स्विमिंग पूल। अमेनिटीज़ में आपका है डिशवॉशर, आयरन, माइक्रोवेव, ओवन, टीवी, वाईफाई, जो जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। उसके नीचे आपको थोड़ी और डिटेल दे रखी है कि क्या क्या आपने देना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। टू टॉप पे जाओगे तो वो ऊपर पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे इसके अलावा और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, लाइक आप यूजर को घर का पूरा मैप देना चाहते हो, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए देना चाहते हो, या इमेज डाउनलोड करने के लिए देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। कोई वीडियो ऐड करना चाहते हो वो भी, वीडियो भी आप ऐड कर सकते हो। आप मैप ऐड करना चाहते हो कि किस लोकेशन में मैप के थ्रू देख सके, आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो कई सारे फीचर इसके अंदर है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो, बट अभी के लिए मैंने 3 ही रखे जो कि मेरे लिए काफ़ी ईजी
था तो मैंने तीन ही दिखाए, और इसके अलावा और भी ऑप्शन है फ्री में जो कि आप कर सकते हो। हालांकि पेड में और भी ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, बट फिर भी जितना हमारे पास ऑप्शन है वो सारे के सारे हम इस वीडियो में यूज करना जानेंगे। नीचे चलते हैं, वही फूटर है सेम। अगर मैं मान लीजिए रजिस्टर पे क्लिक करूँ, मैं रजिस्टर कर पाऊँगा यहाँ पे। यहाँ पे नाम, यूजर नेम, ईमेल और फोटो देके आई एग्री टर्म्स कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी करके रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, रजिस्टर हो जाऊँगा, देन मैं लॉगिन कर पाऊँगा यहाँ से। डिटेल देनी है, लॉगिन यूजर पासवर्ड, लॉगिन फॉरगेट पासवर्ड कर सकता हूँ, और अगर क्रिएट करना है तो नीचे क्लिक करके भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ अकाउंट। उसके बाद है कॉन्टैक्ट का पेज, कॉन्टैक्ट से हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदर डिटेल भी डाल सकते हैं, इसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब ये ही कुछ चीज़ें थी इस के अंदर। लाइक अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, लिखूँ सिर्फ USA, और मैं देखिए यहाँ पे हमारे पास नीचे लिस्टिंग आ रही है स्क्रॉल में, ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, जो कि अगर आप मैं पिन कोड भी लिखूँ लाइक 60201, तो आप देखोगे जो एड्रेस में हमारा पिन कोड है बस उसी रिलेटेड हमारे पास जो भी है लिस्टिंग वो आ रही है, ठीक है ना। अगर मैं क्लिक करूँ और सर्च करूं तो सिंपली वो ही एक लिस्टिंग आएगी और इसे मैं ओपन कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप इसको काफ़ी अच्छे से, यहाँ पे और भी ऑप्शन है वैसे सर्च के जो कि आप और भी लगा सकते हो, बट मैं चाहता तो सिंपली ऊपर का ही लगाता, बट फिर भी मैंने नीचे का भी स्टेट, सिटी और प्रोविजन लगा दिया। ज़रूरी नहीं ये ऑप्शनल है फिल करना, और मैंने कोई भी एड्रेस डिफाइन नहीं करा तो यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं आएगा, नो रिजल्ट आ रहा है। मैं USA करूँ, स्टेट वैसे USA नहीं है, यहाँ पे स्टेट होगा कोई लाइक वो आप कर सकते हो यहाँ पे, बट अभी के लिए जो है वो आपके सामने है। कुछ ऐसी वेबसाइट क्रिएट करना जानेंगे हम। अब ये वीडियो किसी पर्सन ने रिक्वेस्ट करी थी, यदि आपको कोई वेबसाइट क्रिएट करना सीखना है और आपको उसका ट्यूटोरियल यूट्यूब पे नहीं मिल रहा, सिंपली आप हमें कमेंट के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद हम कोशिश करेंगे उस जो वेबसाइट है उसका ट्यूटोरियल लाने की। तो ये जो रिक्वेस्टेड वीडियो है वो आपको देखने को मिली है, और यदि आपको और भी वेबसाइट क्रिएट करना सीखना है और चाहते हो हमसे उसके ऊपर ट्यूटोरियल बनवाना, सिंपली आप अपनी वेबसाइट को रिक्वेस्ट कर सकते हो, हम उस तरह की वेबसाइट का ट्यूटोरियल लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करें उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि कोई भी वेबसाइट बने उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है डोमेन नेम, दूसरा है होस्टिंग। डोमेन नेम बेसिकली आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि youtube.com है, ये एक यूनिक नेम है जिसको टाइप करके हम youtube.com पे जाते हैं, ठीक है। फेसबुक से हम फेसबुक पे जाते हैं, और अदर जो भी यूनिक एड्रेस हम टाइप करते हैं उसके थ्रू अलग वेबसाइटों पे जाते हैं। वैसे आपकी वेबसाइट का एक पर्टिकुलर नाम होगा, यूनिक एड्रेस होगा जिसको टाइप करके यूजर जाएंगे। तो सबसे पहले आपकी जो ज़रूरत होगी वो होगी डोमेन की। दूसरा है आपको होस्टिंग की ज़रूरत होगी, यानी कि सर्वर। जो भी आपकी वेबसाइट पे फाइल है, जो भी फाइल है वो एक सर्वर पे सेव होती है, तो आपको ऑनलाइन सर्वर खरीदना पड़ता है जिसे हम होस्टिंग कहते हैं। तो सिंपली आपको डोमेन और होस्टिंग ये खरीदना पड़ेगा यदि आपको लॉन्च करना है। यदि आप सीखना चाहते हो क्रिएट करना वेबसाइट, तो सिंपली लोकल होस्ट पे भी क्रिएट करके आप सीख सकते हो। कैसे लेना है, कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने होस्टिंग और डोमेन के लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे होस्टिंग और डोमेन देखने को मिल जाएगी। हाँ, वो एफिलिएट लिंक है, यदि आप उसे यूज़ करोगे तो इससे ये होगा कि आप एक तरह से हमें सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है ना। तो नीचे दी गई लिंकों को आप यूज़ करके आप कर सकते हो, और यदि आप लोकल होस्ट पे स्टार्ट करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड भी ट्यूटोरियल मैंने नीचे दे रखा है कि आप कैसे अपने खुद के सिस्टम में लोकल होस्ट इंस्टॉल करके स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और मुझे मालूम है आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आता होगा। अगर नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाके चेक कर सकते हो कि कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। लोकल होस्ट और लाइव सर्वर दोनों पे मैंने दिखा रखा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2021 थीम आ गई है वर्डप्रेस की, जो कि जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे अब आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आपको अपनी वेबसाइट पे लॉगिन होना है, स्लैश करके आपको wp-admin आपको टाइप करना होगा, और उसके बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो है अंदर लॉगिन हो जाएगा, ये हम काट देते हैं, और ये सारी चीज़ें जो मेरे को नहीं देखनी मैं ये सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास सारी हट गई, अभी क्लीन आ रहा है। अप्रेंस में जाओगे, आपके पास जो अभी इंस्टॉल्ड है थीम वो कुछ ये वाली है, और अगर आप दूसरी चाहते हो तो दूसरी भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट इस वीडियो में हम इनमें से कोई भी यूज नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो उसके लिए चलते हैं, कौन सी थीम हम यूज करने वाले मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपली जाना है
wordpress.org पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस प्लगइन की, जो कि आपको जाके डाउनलोड करना है। और दूसरा हमारे पास प्लगइन है ये मोर्टेज का, ये कैलकुलेटर मैंने नहीं दिखाया जो कि मैं अगर अभी दिखाना चाहूँ। लेआउट में जाते हैं, एक तो लिस्ट व्यू मेरे को दिखाना था कि लिस्ट व्यू अगर आपको लगाना है तो कुछ ऐसा लिस्ट व्यू आता है, आप ये भी ऐड कर सकते हैं। साइड बार में ये भी आप ऐड कर सकते हैं, मैप भी ऐड कर सकते हैं, और कैलकुलेटर जो मोर्टेज वाला है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम जो कैलकुलेटर यूज करेंगे वो ये वाला है, और प्लगइन जिससे हमारा पूरी साइट वर्क करी है वो ये वाला है। बट इसके लिए हमें थीम की भी जरूरत होगी जिसके ऊपर हम ये प्लगइन यूज कर पाए। तो चलिए देखते हैं कौन सी थीम हम यूज करेंगे। उसके लिए आपको इसकी मेन साइट पे आना होगा, जो जिसका प्लगइन है उसी की मेन साइट पे आने के लिए आपको प्लगइन के नीचे ये जो ऑथर है, अगर आप इसे क्लिक करोगे तो आप इसकी जो मेन साइट है उस पर आप आओगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी हूँ और यहाँ पे मैंने अकाउंट बना रखा है, और यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट हैं ये है सिंपल वाला और दूसरा है थीम नेटिव वाला, ये मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिए हैं। आप देखोगे डाउनलोड के सेक्शन में मेरे पास दोनों आ रहे हैं, आपको भी दोनों डाउनलोड करने हैं। आपको कहाँ मिलेंगे, सिंपली प्लगइन में जाना, प्लगइन के अंदर आपको मोर्टेज वाला मिलेगा फ्री कैलकुलेटर का, जो कि आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे सीधे वर्डप्रेस पे पहुंचा देगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरा आपको प्लगइन ये करना है, और थीम में आपको क्या करना है, थीम में जाना है, थीम में आपको मिलेगी थीम नेटिव जो कि फ्री थीम है। बाकी हालांकि इसकी पेड भी कई सारी थीम है जिसके अंदर एडवांस ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, बट इस वक्त हम फ्री थीम नेटिव वाली यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली आपको यहाँ जाना है थीम नेटिव में, और यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आप बाय कर पाओगे, बट $0 की है तो आपको कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं, जो अपनी डिटेल है सिर्फ आपको वही देनी होगी और कुछ नहीं देना। एक बार ये बाय नाउ कर लिया तो ये आपको आपके अकाउंट में दिखने लग जाएगा। अकाउंट में जाना है आपको और डाउनलोड्स के सेक्शन में जाना है, और वहाँ से ये जो थीम नेटिव है ये डाउनलोड कर लेना है, और ये दो हम डायरेक्टली वर्डप्रेस से ही डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए थीम नेटिव है वो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, और अगर मैं दोबारा डाउनलोड करूँ, लाइक मैं दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार और उसके बाद हम इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमने डाउनलोड कर लिया, सिंपली मेरे को अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए मेरे को यहाँ पे अपने जो एडमिन पैनल है यानी कि डैशबोर्ड है उसमें आना है। यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर थीम्स में जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड न्यू का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। अपलोड थीम पे आपको क्लिक करना है, और अपने जहाँ पे भी डाउनलोड कर रखा होगा वहाँ से आपको कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी कर रखा है, तो सिंपली मैं ये उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, ये मैंने सिंपली यहाँ रखा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करा। अब एक्टिवेट करते हैं। अब चलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है बींग इंस्टॉलिंग प्लगइन, इस पर क्लिक करते हैं इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन। यहाँ पे तीनों हमारे पास पहले से प्लगइन आ रहे हैं, मोर्टेज कैलकुलेटर, रियल इस्टेट का जो इसका मेन प्लगइन है, साथ के साथ जो डेमो इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास डेमो इंपोर्टर भी आ रहा है। तो ये तीनों हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से अलग से अगर आप करना चाहते हो तो वो तो ऑप्शन है, अगर नहीं करना चाहते तो थीम इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे, जिससे कि आप सीधे अपने डैशबोर्ड से भी इंस्टॉल कर पाओगे। तो ये सभी इंस्टॉल हो गए हैं, मैं रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉलर पे क्लिक कर रहा हूँ, और सारे सेलेक्ट करने के बाद एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट हो गए। अब चलिए हमारा जो प्लगइन है वो भी एक्टिवेट हो गया, थीम भी एक्टिवेट हो गया। अब देखते हैं हमारी जो साइट है वो कैसी दिख रही है। साइट अगर आपको देखनी है, सिंपली आपको यहाँ जाना है, विजिट साइट पे क्लिक करना है, न्यू विंडो पे आपको ओपन कर देना है। अभी के लिए आपकी साइट कुछ ऐसी दिख रही है, जहाँ पे हमारे पास फुटर में कॉपीराइट आ रहा है, सोशल आइकन आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड की जो पोस्ट है वो आ रही है, और यहाँ पे आप देखोगे योर लोगो आ रहा है, यहाँ पे नंबर आ रहा है, साइड में हमारे पास प्रोफाइल का आइकन आ रहा है। इसके अलावा अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो वन बाय वन चलिए हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, हमें जो था मेन मेन्यू क्रिएट करने थे, बट मेन मेन्यू क्रिएट करने के लिए हमें पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पेजेस क्रिएट करते हैं। तो पेजेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा पेजेस में, और यहाँ पे हम ऐड न्यू पे क्लिक करके पेजेस क्रिएट करते हैं। बट यहाँ पे आप नीचे देखोगे आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी का पहले से दे रखा है, तो मैं क्विक एडिट में जा रहा हूँ, और यहाँ पे ड्राफ्ट की जगह मैं पब्लिश कर रहा हूँ और अपडेट कर रहा हूँ। इतना होने के बाद जो सैम्पल पेज है ये मैं डिलीट कर रहा हूँ ट्रैश पे क्लिक करके। अब चलिए एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर आपके पास इस प्लगइन के थ्रू कुछ पॉपअप आ रहा है कि आपको लॉगिन पेज क्रिएट करने के लिए ये कोड डालना पड़ेगा, और ये जो पासवर्ड रिसेट क्रिएट करने के लिए आपको ये कोड डालना पड़ेगा। तो मैं ये
कर रहा हूँ लॉग इन क्रिएट करने के लिए, ये कोड कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी से और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और इस पेज को हम नाम दे देते हैं, ये काटते हैं सबसे पहले इंट्रो को और यहाँ पे दे रहे हैं लॉग इन और इसका जो नाम दे रहे हैं लाइक लॉग इन नाम दिया और यहाँ पे शॉर्ट कोड दिया और सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। पब्लिश पे जैसे क्लिक करेंगे और व्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाओगे कि हमारे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हो साइड बार भी आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास साइड बार ना आए लॉग इन के पेज में, तो सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ से काटूंगा। यहाँ पे आपको एडवांस में नहीं जाना है, एक बार यहाँ पे पेजेस में जाना है और पेज एट्रीब्यूट में जाना है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिलेगा, टेम्पलेट में आपको दिखेगा पेज विदाउट साइड बार, इस पर आपको क्लिक करना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है और जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपके पास साइड बार हट जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा काम करते हैं जो कि है हमारा और भी पेजेस क्रिएट करना, जिसमें से एक है ये रीसेट पासवर्ड का। तो दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पासवर्ड वाला है ये कोड कॉपी कर रहा हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ रीसेट पासवर्ड, ये मैंने नाम दिया और यहाँ पे कोड डाला और इसमें भी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को साइड बार नहीं चाहिए, तो साइड बार मैंने सेलेक्ट करा कि विदाउट साइड बार और पब्लिश पे क्लिक करा। अगर मैं ये पेज ओपन करूँ तो आप देखोगे हमारे पास पहले से आ रहा है लॉग्ड इन है और यहाँ पे हमारा पासवर्ड का भी आएगा, ठीक है ना, फॉरगेट पासवर्ड का। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वर्डप्रेस में दोबारा जाना है। अब यहाँ पे हमारा एक रह गया रजिस्टर का जो कि हमने क्रिएट नहीं करा, उसके लिए हमें ऐड न्यू पे जाना है और उसका कोड क्या है, मैं सबसे पहले इसका टाइटल दे रहा हूँ रजिस्टर, यानी कि उसको नाम दे रहा हूँ रजिस्टर और इसे हम दे देते हैं इसका कोड है। सिंपली आपको ये ब्रैकेट लगाने हैं और उसके बाद ES _ रजिस्टर आपको करना है। अगर आपको इसके कोड नहीं मिले तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से करना है, तो सिंपली अभी के लिए ये डाल दो और विदाउट साइड बार चाहिए, पब्लिश पे क्लिक करना है, पब्लिश देखना है और देखते हैं हमारे पास ये जो कोड है सही डाला था या गलत। देखिए रजिस्टर का हमारे पास वो नहीं आ रहा क्योंकि हमने जो है रजिस्टर ऑलरेडी कर रखा है, लॉगिन है क्योंकि हम एडमिन है। अगर ये चीज़ मैं न्यू विंडो में एक प्राइवेट विंडो में ओपन करूँ, सॉरी यहाँ पे हमारा पहले से ओपन है प्राइवेट विंडो, तो एक काम करते हैं मैं इस वाले विंडो में यहाँ पे एक बार ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर का नहीं आ रहा, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन हमें करना पड़ेगा जिससे कि रजिस्टर का आए। तो रजिस्टर का लाने के लिए सिंपली मैं एक बार ये काट रहा हूँ और हो सकता है हमें शायद वर्डप्रेस के अंदर जो रजिस्टर का इनेबल करना पड़ेगा तभी हमारा रजिस्टर का पेज आएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है, जनरल में जाना है, यहाँ से आप जो है रजिस्टर का इनेबल कर सकते हैं, एनीवन कैन रजिस्टर पे क्लिक करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इससे अब देखते हैं हमारा, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास रजिस्टर यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन। अगर आप न्यू विंडो में जाओगे प्राइवेट विंडो में वहाँ पे देखोगे, लॉग आउट करके भी देखोगे तब भी आपका रजिस्टर का फॉर्म आ जाएगा। अब चलिए जो बेसिक सेटिंग थी हमने कर ली, ES रजिस्टर डाल लिया, लॉगिन डाल लिया, पासवर्ड डाल दिया, तो ये जो है हम एक बार काट देते हैं, बट फिर भी ये बोल रहा है कि इसकी जनरल सेटिंग पे जाओ, तो इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो ये बोलेगा कि टर्म्स ऑफ यूज जो पेज है वो सेलेक्ट करो, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज सेलेक्ट करो, सर्च पेज सेलेक्ट करो और अभी हमने कोई भी पेज नहीं बनाया तो कोई नहीं सेलेक्ट कर रहा मैं। और यहाँ पे अकाउंट में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन पेज, लॉगिन पेज और रीसेट पासवर्ड पेज। तो रजिस्टर का जो अभी हमने बनाया था वो हम सेलेक्ट करते हैं, लॉगिन का जो अभी हमने बनाया था वो सेलेक्ट करते हैं और रीसेट पासवर्ड वाला जो हमने बनाया था वो हम सेलेक्ट करते हैं और सेव करते हैं। इससे हमारा ये इससे मालूम चल जाएगा कि कौन सा वाला पेज है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सिंपली ये जो है ये काटना है और जो बेसिक सेटिंग है वो करनी है। बेसिक सेटिंग के लिए सिंपली हम जाते हैं सेटिंग्स में और इसके अंदर आपको मिलेगा रीडिंग का मोड, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे हमें होम पेज सेलेक्ट करना है, बट अभी हमने होम पेज नहीं बनाया तो हम इसे छोड़ देते हैं, जब हम क्रिएट करेंगे उसके बाद दोबारा आएंगे। बट उससे पहले हमें यहाँ पे परमालिंक पे क्लिक करते हैं, परमालिंक में हमारा पोस्ट पेज आपको सेलेक्ट करना है, यदि आपका सेलेक्ट ना हो तो बिल्कुल ये वाला सेलेक्ट करके सेव चेंजेस कर देना है। इतना होने के बाद चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम अपने जो है जो ये प्लगइन है उसकी सेटिंग देख लेते हैं, बट इससे पहले हमने देखा था कि तीन पेजेस की ज़रूरत थी जिसमें टर्म्स कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी और सर्च पेज था। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सिंपली दोबारा पेजेस में जाते हैं और भी पेजेस क्रिएट कर लेते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, इसके अंदर आपको प्राइवेसी पॉलिसी लिखनी है, तो यहाँ पे आएगा हियर यू कैन राइट योर वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी, आपको जो भी लीगल यहाँ पे चीज़ें लिखनी है वो आप लिख सकते हो। बाकी हमने पहले से प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट कर रखी है, आपने देखा होगा पेजेस में, अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइवेसी पॉलिसी का पहले से क्रिएट है, तो मैं इसको प्राइवेसी पॉलिसी छोड़ के मैं बोल रहा हूँ टर्म्स एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज है ये हमारा, ये करा
और यहाँ पे वेबसाइट टर्म्स ऑफ सर्विसेज लिख देते हैं, ठीक है ना, टर्म्स ऑफ सर्विसेज। और उसके बाद मैं पेजेस में जा रहा हूँ, यहाँ पे डिफॉल्ट पेज में विदाउट साइडबार चूज करके मैं पब्लिश कर रहा हूँ, और ये हमारा टर्म्स ऑफ ये हो गया। अब एक और रह रहा है, वो है सर्च का, तो मैं सर्च का एक और क्रिएट कर लेते हैं। सर्च ये आपको सिंपली लिखना है और इसके अंदर एक कोड लिखना है जो है ब्रैकेट लगाना है आपको, ओपन क्लोज, और ES _ सर्च आपको लिखना है, जिससे कि आपका ये जो सर्च का पेज है वो बनेगा। बट डिफाइन करने के लिए पेजेस में जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा पेज विद टॉप सर्च। तो ये अभी हम नहीं कर रहे सिंपली, फिर भी अभी हम कर रहे हैं विदाउट साइड बार, ये करा और पब्लिश पे क्लिक करा, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा सर्च है कौन सा नहीं, तो इसके लिए हमें प्लगइन वाले ऑप्शन को चूज करना है। और जैसे कि मैंने बोला था, अगर आपको शॉर्ट कोड नहीं याद है तो सिंपली आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे शॉर्ट कोड, और यहाँ पे आप पूरा चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड को ओपन कर सकते हो, यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन है जिसे फॉलो करके आप पूरी वेबसाइट क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है ना। जो अगर मेरे इस वीडियो के अंदर जो चीज़ ना बताई जाए या जो चीज़ आपको और भी एक्स्ट्रा करनी है इस प्लगइन से रिलेटेड, तो पूरी गाइड यहाँ पे है, आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करके पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ थीम मिलेगी, अगर आपको जो हमने थीम यूज़ करी है वो पसंद नहीं है तो इनमें से आप चूज कर सकते हो। बट ध्यान रखना ये सारी की सारी जो थीम है वो सारी की सारी पेड है, तो आप इस आपको इनके लिए पैसा पे करना पड़ेगा। बस ये वाली जो थीम है वो फ्री है जो कि हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब बेसिक जो ऑप्शन थे हमने कर लिए, इसके अंदर हम सेटिंग पे जाते हैं। जो हमने पेज क्रिएट कर रहे हैं उसे डिफाइन भी करना है, तो यहाँ पे आपका है टर्म्स ऑफ यूज का, ये सिंपली हम कर लेते हैं। टर्म्स ऑफ सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी जो हमने सेलेक्ट करा था ये था प्राइवेसी पॉलिसी, सर्च पेजेस का जो हमने करा था सर्च का ये है, ठीक है ना। अब प्राइवेसी पॉलिसी चेकबॉक्स रिक्वायर्ड है, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि हाँ आना चाहिए रजिस्टर करते समय, तो सिंपली सेव करा। और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन अभी भी ओपन हो रहा है, तो यहाँ से आप चेक कर लेना जो भी आपको दिक्कत आए। यहाँ पे दोबारा विजिट करते हैं अपनी साइट, तो अभी के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, बट फिर भी बैकएंड में हमारे कई सारे पेजेस क्रिएट हो गए हैं। तो चलिए अब लगा लेते हैं यहाँ पे, कि जिससे कि हम उसे एक्सेस भी कर पाएँ। उसके लिए हम जाते हैं सिंपली अपीयरेंस में, मेन्यू के अंदर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें मेन मेन्यू एक क्रिएट करनी है, मेन मेन्यू क्रिएट करनी है, यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हमें व्यू ऑल में जाना है, सारे के सारे हमारे पास पेजेस आएंगे। मेरे को होम चाहिए और यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर चाहिए, उसके साथ साथ मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैंने ये करा ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमारे पास ये तीनों आ गए। मेरे को लॉग इन रजिस्टर मैंने लिखा ऑटोमेटिकली और मेन वाले सेलेक्ट करे और ये वाला सेव मेन्यू पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे पास ऊपर ये आ गए, लॉग इन पे क्लिक करूँ तो बोलेगा आप पहले से लॉग इन हो, रजिस्टर पे करा तब भी बोलोगे कि आपका पहले से अकाउंट है जिससे कि आप लॉग इन हो। यहाँ पे होम पे क्लिक करा, होम पे आ गए, ठीक है। अभी हमें एक और पेज क्रिएट करना है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट, तो पेजेज में हम जाते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिंपली हम नाम देते हैं कॉन्टैक्ट अस का, कॉन्टैक्ट अस दिया। और यहाँ पे हमें पेज के यहाँ पे टेम्पलेट में यहाँ पे हमें चूज करना है नेटिव कॉन्टैक्ट और उसके बाद पब्लिश कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग अलग भी चूज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन यूज कर सकते हो जिससे कि आप और भी अच्छा बना पाओगे, बट अभी के लिए हमने जो करा है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे हमारे पास कॉन्टैक्ट आ रहा है, साइड में साइड बार आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये फुल विंडो ना हो, फिर तो मैं ये साइड बार चाहता हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। अगर आपको इसको साइड बार को हटाना है सिंपली आप ये चेंज कर सकते हो। अपीयरेंस में जाना है, विजिट में जाना है और यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगी। ऊपर आपका आर्चीव आ रहा है, मेटा आ रहा है, कैटेगरी आ रही है, तो मेटा कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आर्चीव्स या आर्काइव्स भी बोलते हैं कोई, कई सारे कैटेगरीज और मेटा। और मैं चाहता हूँ कैटेगरी भी ना चाहता मैं, ना ये चाहता और ना ये चाहता मैं, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूँ कुछ अलग सा, बट यहाँ पे अभी हमने कुछ क्रिएट नहीं करा तो हम इसे खाली छोड़ देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देखोगे सारे के सारे हट गए हैं। दोबारा होम पे जाते हैं, यहाँ पे आपका नंबर है और बाकी सारी चीज़ें भी हम चेंज करेंगे, तो इसके लिए हम दोबारा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाते हैं। और चलिए देखते हैं थोड़े बेसिक्स ऑप्शन इस प्लगइन के में जग गए। यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको माय लिस्टिंग दिखेगी, जितनी भी लिस्टिंग होगी इस पर क्लिक करके आप माय लिस्टिंग पे आ जाओगे। ऐड न्यू पे ऐड न्यू कर पाओगे, यानी कि ये वाली है। डाटा मैनेजर में डाटा मैनेजर का ये ऑप्शन है। फील्ड बिल्डर में फील्ड बिल्डर का, यानी कि जो भी फॉर्म बिल्ड करना है उसका ये है। सेटिंग्स में आपका ये है सेटिंग्स, स्टेप बाय स्टेप का ये सपोर्ट के लिए है। कुछ FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ पे डाउन है तो आपको इसका ये ऑप्शन चलेगा नहीं आपका।
अगर आपको टिकट क्रिएट करके कुछ सपोर्ट मांगनी है तो वो भी मांग सकते हैं। प्लगइन का कुछ चेंज लोग यहाँ दे रखा है, शॉर्ट कोड कुछ यहाँ दे रखा है, कुछ थीम यहाँ पे है, और अपग्रेड ऑप्शन का यानी कि यदि आपको प्रीमियम चीज़ें चाहिए तो यहाँ पे आप पैसे देके अपग्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आपकी सारी की सारी माई लिस्टिंग आएगी। अभी हमने कोई भी लिस्टिंग क्रिएट नहीं करी, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। बट सबसे पहले हम सेटिंग से स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक सेटिंग है हमें क्योंकि यहीं पर देखने को मिलेगी। और सेटिंग करने से भी पहले मैं बोल रहा हूँ एक बार हम डेमो क्रिएट कर लेते हैं। डेमो कॉन्टेंट जो है हर एक लिस्टिंग बार बार खुद से करना ये इतना काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर है, सिंपली मैं डेमो लिस्टिंग कर लेता हूँ जिससे कि हमारी साइट भरी भरी मिले लगे। तो उसके लिए मैं सेटअप डेमो पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो भी है ये सारे के सारे डेमो अपने आप हो जाएंगे। नेक्स्ट पे करा, और यहाँ पे अगर आपको गूगल मैप भी ऐड करना है तो सिंपली आपको की डालनी पड़ेगी गूगल की, बट मैं लोकल होस्ट पे हूँ तो इसलिए मैं नहीं डाला। ऐसे ही आपको रिकैप्चा का भी डालनी पड़ेगी, आई एम नॉट अ रोबोट वाला जो आता है जिसको आपको फिल करना पड़ता है रिकैप्चा, उसकी भी की आप यहाँ पे डाल सकते हो। रिकैप्चा क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको सर्च करना है गूगल रिकैप्चा, या आप सर्च करोगे तो आपके पास सबसे पहले जो साइट आएगी गूगल की ये करनी है। और उसके बाद आप एडमिन कंसोल पे क्लिक करोगे अपने जीमेल से लॉगिन करने के बाद, और यहाँ पे आपको जीमेल मांग रहा है, तो मान लीजिए मैं ये जो जीमेल है वो अकाउंट दे दे रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे को वैसे बोल रहा है तो मैं अभी के लिए काट दे रहा हूँ। बट बेसिकली यही है कि आपको सबसे पहले वहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी, यानी कि वहाँ लॉगिन होने के बाद सिंपली आपको साइट की डिटेल डालने के बाद आपको की मिल जाएगी, वो यहाँ पे आपको पेश करनी है। नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ, मैं ऐसे स्किप कर रहा हूँ, और यहाँ पे इंपोर्ट का आ रहा है, इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये जो है इंपोर्ट हो जाएगा, आप देख रहे हो काफ़ी जल्दी हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है ये चीज़ें। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा फिनिश हो चुका है, और यहाँ पे फिनिश होने के बाद इसने हमारे पास एक पेज ऐड करा है यहाँ पे, जो कि है ये वाला सर्च रिजल्ट वाला। अगर हम इसे व्यू करें तो आपको देखने को मिलेगी कुछ लिस्टिंग, ठीक है ना। और अगर आप जैसे कि हमने खुद से भी एक क्रिएट कर लिया था, तो अगर मैं ये भी व्यू करूं तो आप देख रहे हो हमारी लिस्टिंग कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों तरह की लिस्टिंग है, इसमें हमने विदाउट साइड बार करा था, इसमें विद साइड बार है, बट हमने साइड बार हटा रखे तो हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो ये हमने अभी डेमो इंपोर्ट करते समय ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है सर्च रिजल्ट्स वाला। और दूसरी चीज़ जो हुई है, माय लिस्टिंग के अंदर कुछ लिस्टिंग आ गई, ये कुछ आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 लिस्टिंग है जो कि हमारे पास आ गई है डेमो इंपोर्ट करते समय। तो अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं ये काट रहा हूँ और हम डेमो देखते हैं हमारी साइट कैसे दिख रही है। विजिट में मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। तो चलिए सबसे पहले होम क्रिएट करते हैं जिससे कि हमारा होम का थोड़ा अच्छा दिखने लगे। तो होम के लिए हम पेजेस में जा रहे हैं, ऐड न्यू पे क्लिक कर रहे हैं, और एक पेज को हम होम असाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ होम, और यहाँ पे मैं एक टाइटल दे रहा हूँ ऑल लिस्टिंग, ऑल लिस्टिंग का, और इसे मैं हेडिंग बना रहा हूँ। और हेडिंग क्या है, ये है हमारी 3, और इसे कर रहा हूँ मैं सेंटर में, ये मैंने करा टेक्स्ट सेंटर में, और ये एक बार मैं पब्लिश कर दे रहा हूँ, और ये हमारा पब्लिश हो गया। अब इसे हम चलिए सबसे पहले हम सेटिंग में जाके, रीडिंग में जाके इसे होम बना लेते हैं। तो ये हमारा होम है कि इस लिंक को कोई भी ओपन करो तो सीधे होम पे रिडायरेक्ट हो। और अब मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे हमारे पास ऑल लिस्टिंग आ रही है और होम का आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दो चीज़ हो गया, अब यहाँ पे मैं दोबारा पेजेस में जा रहा हूँ और होम को एक बार एडिट करते हैं, और इसे देते हैं हम विदाउट साइड बार वाला। विदाउट साइड बार कर रहे हैं, अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं, नीचे आपको और कोई सेटिंग नहीं दिख रही। और यहाँ पे मैं व्यू पेजेस द्वारा करूँ तो ऑल लिस्टिंग अभी हमारा आ रहा है, ठीक है। अब चलिए आपको ये दिख रहा है, और यहाँ पे अभी हमने और कुछ नहीं करा, तो उसके लिए सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ थोड़ी लिस्टिंग आए ऊपर हमारा सर्च का आए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले चलिए सर्च देख लेते हैं। सर्च के लिए आप जाना है अपीयरेंस में, और विजिट में आपको क्लिक करना है ऊपर सर्च लगाने के लिए, सर्च वार जैसे कि हमारी साइट में था। अगर मैं दोबारा दिखाऊँ आपको वो चीज़, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। होम पे जाएँ तो ये आप देखोगे यहाँ पे ऊपर सर्च का दिख रहा है, वो हमें क्रिएट करना होगा। तो वो सर्च क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको सर्च का एक विजिट दे रखा है, जो कि हमें लगाना पड़ेगा टॉप बैनर में। तो ये उठा के मैं सिंपली यहाँ पे रख रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा सर्च का आ जाएगा। और अगर मैं अब रिफ्रेश करूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पे अभी भी हमारे पास नहीं आ रहा। फिर भी हम चलिए थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले फील्ड सेलेक्ट करते हैं कि हमें क्या क्या दिखाना है। मैं चाहता हूँ कि भाई एड्रेस सर्च कर सके यूजर, सिटी सर्च कर सके, और स्टेट सर्च कर सके, और प्रोविजन सर्च कर सके, ऑल पेजेस पे आए, और जो हमारा सर्च का पेज होगा वो होगा हमारा ये वाला सर्च वाला, सिंपली
सेव पे क्लिक करा और अगर हम अब रिफ्रेश करें, देखते हैं हमारे पास आया, अभी भी हमारे पास नहीं आया। चलिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारी क्या दिक्कत है, बट उससे पहले हमें लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। तो लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं हम पेजेस में, और पेजेस में जाने के लिए हमें एक शॉर्ट कोड भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे दोबारा जा रहा हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा हम शॉर्ट कोड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो शॉर्ट कोड है ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये सेकंड वन है जो कि हमें पेज में दिखाना है। पेजेस में गए, होम को हमने एडिट करा, और इसके नीचे हम जो है शॉर्ट कोड वो यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा ये वाला है जो कि इसमें आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट कोड ले लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट कोड, तो यहाँ पे हमारे पास ये आया। अब मैंने ये डाला और इसके बाद एक अपडेट कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो आप देख रहे हो हमारे पास हमारी लिस्टिंग भी आने लग गई। यहाँ पे इमेज अभी हमारे पास नहीं आई, और इमेज के लिए इमेज हमें डालनी पड़ेगी, तब जाके हमारे पास आएगी, उसी के बाद हम कुछ कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके पेजेस में दोबारा जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं विदाउट साइड बार है, विद टॉप सर्च है, नेटिव कॉन्टेक्ट है, विदाउट टाइटल, ये हम करते हैं विद टॉप सर्च का, और उसके बाद अपडेट करते हैं। और इसके बाद मैं एक बार होम पे दोबारा जाऊँ तो आप देखोगे हमारा सर्च का भी आ गया, यानी कि हमारा सर्च का भी आ गया, ऑल लिस्टिंग में हमारी सारी लिस्टिंग आ गई। बट एक चीज़ की कमी ये है कि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ये लिस्ट व्यू में आ रहा है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कार्ड व्यू में चाहिए, वैसे जो ग्रिड व्यू होता है मेरे को ग्रिड व्यू में चाहिए। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं दोबारा बैक जा रहा हूँ और मेरे को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो शॉर्ट कोड है वो किस किस का है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास शॉर्ट कोड कुछ ऐसा मिले, लिस्ट की जगह हमें कार्ड व्यू मिले है। तो एक काम क्यों नहीं करते हम, एक बार ये देखते हैं हमारा जो ये सर्च रिजल्ट का था, हमारा ये वाला ऐसे में आ रहा है। एक और हमारा होम का ऐड हो गया क्योंकि हमने वैसे चेंजेस करे थे। तो चलिए बेसिक चीज़ें हम पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन जाएंगे। सबसे पहले ये दो चीज़ें जो ऊपर दिखा रहे हैं ये मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं ये हटा रहा हूँ। बट उससे पहले मैं पेजेस में जा रहा हूँ और देखते हैं यहाँ पे हमारा सर्च रिजल्ट में कौन सा कोड डाल रखा है। एडिट पे क्लिक करा तो यहाँ पे ES सर्च है जो कि हम पहले से क्रिएट कर चुके हैं, जो कि सर्च का हमने बना रखा है। तो अभी के लिए मैं ये वाला जो सर्च रिजल्ट वाला ये वाला ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा काम जो हम कर रहे हैं वो है अपीयरेंस में जा रहे हैं, मेन्यू में जा रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास सर्च का जो अभी हमने पेज डिलीट करा तो यहाँ से भी कर देते हैं, और यहाँ पे जो होम का आ रहा है वो भी हम डिलीट कर देते हैं, और ये जो कस्टम लिंक में था ये डिलीट करके हम यहाँ पे सिंपली होम का द्वारा ऐड कर देते हैं, और ये जो हमारा ऊपर आ जाएगा, और सेव चेंजेस पे करते हैं। तो आप ये यहाँ पे देख पाओगे हमारा ऊपर का द्वारा बैक टू नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब जो हमारी बारी है वो है हम एक बार करेंसी और बाकी जो शॉर्ट सेटिंग है स्मॉल सेटिंग्स वो हम चेंज कर लेते हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम द्वारा इसमें जा रहे हैं और इसके अंदर आपको सेटिंग्स का मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले मिल रहा है पावर्ड बाय लिंक, आपको ऑन करनी है और या ऑफ करनी है। ये पावर्ड बाय आप देखोगे नीचे आपको मिल रहा है पावर्ड बाय ES जो भी प्लगइन का नाम है, वो मेरे को ऑफ करना है, मैंने ऑफ कर दिया। आपको एक पेज में कितनी लिस्टिंग दिखानी है, यानी कि कितनी लिस्टिंग, यहाँ पे 6 अभी हमारे पास पोस्ट है तो 6 ही आ रही है, बट यहाँ पे लिखा है कि 10 की लिमिट है, एक पेज में 10 ही दिखाए, बाकी 10 से ज़्यादा हो तो वो दूसरे पेज में दिखाए। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कितनी चाहिए। आपको स्लग क्या बनाना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी दोनों स्लग है हमारा, यानी कि URL क्या बनेगी कोई भी प्रॉपर्टी पे जाने के बाद वो हमारी बनेगी ये प्रॉपर्टी की स्लग, ठीक है ना, इसे कहते हैं URL को स्लग। अब शो प्राइजिंग, यदि आपको प्राइस ये शो करना है तो सिंपली यस करना है, अगर नहीं करना है तो नो करना है। डिसेबल प्रॉपर्टी फीचर इमेज, अगर आपको फीचर इमेज डिसेबल करनी है तो आपको यस करना है, अगर फीचर इमेज डिसेबल नहीं करनी तो नो करना है, और उसके बाद सेव करना है, ठीक है ना। तो मेरे को नहीं करनी डिसेबल कोई भी फीचर इमेज, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया, और आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे वैसे भी फीचर इमेज हमारे पास नहीं है तो नहीं आ रही, बट फिर भी यहाँ पे नो करने से वो होगा। अब यहाँ पे टाइटल में आपको क्या दिखाना है, टाइटल में आपको एड्रेस दिखाना है या टाइटल दिखाना है। यहाँ पे अभी हमारे पास सारा का सारा एड्रेस आ रहा है, अगर सिर्फ टाइटल दिखाओगे तो जो आपने टाइटल लिखा होगा वो आएगा। तो मैं अभी मान लीजिए टाइटल दिखाना चाहता हूँ, सॉरी ये वाला जो टाइटल है मैं टाइटल दिखाना चाहता हूँ, सेव पे क्लिक करूँ तो आप देखोगे अभी एड्रेस है US ये करके एड्रेस है, और अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करूँ तो सिर्फ उस चीज़ का, यानी कि चीज़ बोल रहा हूँ मैं, उस जगह का नाम या उस घर का नाम, उस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना, जो आपने डाला होगा लिस्टिंग करते समय। कैसे डालते हैं लिस्टिंग वो भी हम देखेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। आपको शो करना है एड्रेस, जी हाँ मेरे को एड्रेस शो करना है, सेव करा और मैं एक बार रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे हमारे पास एड्रेस भी आएगा। रिफ्रेश करा यहाँ पे नहीं आ रहा, बट लिस्टिंग के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा आपका एड्रेस, ठीक है ना।
अब उसके बाद आपके पास है हाइड मैप ऑन सिंगल पेज। यदि आपको मैप नहीं चाहिए तो आप हाइड कर सकते हैं। वैसे हमने मैप की सेटिंग ही नहीं करी, तो उसके लिए आपको यदि करनी भी हो तो आपको डैशबोर्ड में जाना है और इनका जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है वहाँ पे मैप की सेटिंग दे रखी है, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। उससे आप खुद की मैप की सेटिंग कर सकते हो। मैं लोकल होस्ट पे हूँ इसलिए मैं अलग से क्रिएट नहीं कर रहा उसकी API, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे उसके बाद है डिसेबल एडिटर ऑटो पैराग्राफ, ये यस है, इसे यस रहने देना। इनेबल रेस्ट सपोर्ट, अगर आपको रेस्ट सपोर्ट इनेबल करनी है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो ही ठीक है। डिसेबल स्टिकी प्रॉपर्टी टॉप बार, यानी कि जो हमारा ये टॉप बार है ये स्टिकी है, आप देख रहे हो जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तब भी ये दिख रहा है, बट मैं स्टिकी से हटा दूँ और ये सेव पे क्लिक करूँ और एक बार मैं ये रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे अभी भी हमारे पास आ रहा है, स्टिकी में ही आ रहा है। तो ये आपको इनेबल ही कर देना है, हो सकता है मेरे में कुकी कैसेज ले रहा हो तो इस वजह से आ रहा है, टॉप बार है। बाकी है हाइड प्रॉपर्टी टॉप बार, प्रॉपर्टी का जो टॉप बार है वो आपको हाइड करना है, यानी वो आप भी हाइड कर सकते हो। और उसके बाद है आपके पास इनेबल विशलिस्ट, यानी कि जो ये आइकन है विशलिस्ट का, ये आपको इनेबल करना है या हाइड करना है वो भी आपके ऊपर है। तो यहाँ पे इनेबल ही ठीक है कि कोई भी यूज़र अगर ये इस पर क्लिक करेगा तो वो अपनी प्रोफाइल में जाके चेक कर पाएगा कि क्या क्या उसने विशलिस्ट करा था, अगर आपके पास कई सारी प्रॉपर्टी है आपकी साइट के ऊपर। तो डिसेबल मेटा टैग, अगर आपको डिसेबल करना है तो यस कर सकते हो, वैसे मैं बोलूँगा इसे नो ही रहने देना। लेबल्स अगर आपको दिखाना है यस या नो, आप नो कर दोगे और सेव करोगे तो देखते हैं हमारे पास लेबल्स कहाँ कहाँ पे आते हैं। और ये जो आपके लेबल्स थे यहाँ पे फीचर का आ रहा था, फीचर हॉट वर्ड का, वो लेबल हट गए। बट अगर मैं यही चीज़ ऑन कर दूँ और सेव करूँ द्वारा, तो आप देखोगे यहाँ पे इमेज के ऊपर साइड में आपका जो है लेबल्स आ जाएंगे द्वारा, ये है हॉट फीचर वो आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा सो लेबल ऑन सिंगल पेज, यदि आप सिंगल पेज पे यहाँ पे भी अगर आप लेबल दिखाना चाहते हो कि यहाँ पे भी हमारा दिखे, तो सिंपली आप इसे भी इनेबल कर सकते हो और सेव कर सकते हो और इसके बाद रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। अब ये लेबल आए कहाँ हैं वो हमें देखने पड़ेंगे सिंगल पेज पे, रिफ्रेश करा हमने द्वारा तो अभी के लिए नहीं दिख रहे, हो सकता है इमेज दिखने के बाद भी हमें ये देखने को मिले, ठीक है ना। और चलिए अब देखते हैं उसके बाद नीचे सेटिंग है एडिट डेट, यदि आपको कब आपने ये प्रॉपर्टी ऐड करी उसकी डेट अगर आपको डिसेबल करनी है तो सिंपली आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। डेट का फॉर्मेट क्या होगा, किस में चाहिए, हमें इसमें चाहिए क्योंकि इंडिया में ऐसी डेट लिखी जाती है, डेट मंथ एंड ईयर। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी रिक्वायर्ड है, बाकी हम पहले से चूज कर चुके हैं। ये सर्च का पेज हमारा ये वाला पेज होगा और सेव पे मैंने क्लिक करा तो सारा का सारा हमारा जो है यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब चलिए जो हमारी Google API है, आपने अगर इंस्टॉल करते समय नहीं डाला तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे API डालनी पड़ेगी Google Map की, जो कि आप console.google.com से जाके ले सकते हो और यहाँ वहाँ पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे डालनी पड़ेगी। कैसे क्रिएट करनी है आपको इनका डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना पड़ेगा, मैं लोकल होस्ट पे हूँ इसलिए क्रिएट करके नहीं दिखा रहा। आप रिकैप्चा ऐड कर सकते हो version 3 या version 2, जो भी आपको करना है। version 2 करोगे ईजी रहेगा, version 3 में थोड़ा हार्ड है, तो version 2 करके आप यहाँ पे गूगल कैप्चा में जाके यहाँ पे की डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद लेआउट आपको कैसा रखना है, अभी के लिए जो हमारा लेआउट है वो बेसिकली लिस्ट में आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि लेआउट हमारे ये 3 में आए और मैं सेव करूँ और एक बार अब रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे हमारा 3 में आ रहा है, तो वहीं से हमें करना था। यहाँ पे लिस्टिंग का जो लेआउट है वो हमारा ये आ गया, और अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, लाइक मैं यहाँ पे सर्च करूँ, यहाँ पे लिखूँ मैं USA और यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो हमारा सर्च का भी जो लेआउट है वो ग्रिड में आ रहा है। अब यहाँ पे आपका दूसरा है सिंगल प्रॉपर्टी लेआउट क्या है, यहाँ पे आपको अगर मैं ओपन करूँ यहाँ पे तो सबसे पहले मेरे पास इमेज आ रही है, उसके बाद ये आ रहे हैं, तो यानी कि इमेज उसके बाद डिटेल, बट मैं चाहता हूँ डिटेल पहले आए उसके बाद इमेज आए, तो ये मैं सेव करके और ये करूँ तो आप देखोगे अब डिटेल पहले आ रही है उसके बाद इमेज आ रहा है। इमेज हालांकि हमने लगाने रखी तो नहीं आ रही, बट अभी हम कुछ ही टाइम में अपनी खुद की लिस्टिंग भी करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे लगाते हैं। करेंसी में आप करेंसी चूज करनी है, आप इंडिया से हो तो जाहिर सी बात है INR चूज करोगे, बट यहाँ पे हमारे पास INR नहीं है तो हमें खुद की एक करेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। कैसे क्रिएट करते हैं वो अभी करेंगे। और ये कहाँ आए, बिफोर आए या आफ्टर आए,
मैं बोला हूँ बिफोर आए, हमेशा जो रेट है उससे पहले हमारी करेंसी का सिंबल है, तो बिफोर प्राइस आपको करना है। उसके बाद है ईमेल, ईमेल का लोगो आपको ऐड करना होगा, बट मैंने, मेरे पास कोई लोगो नहीं है तो मैं यही ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये ईमेल लोगो वो लोगो है जो लोगों के पास ईमेल जाएगा उसके अंदर जो लोगो लगेगा वो जो इमेज होगी वो आपको यहाँ पर लगानी है लोगो की। शेयरिंग का क्या है कि लोग कहाँ कहाँ पर शेयर कर पाए, यहाँ पर हमारे पास सारे आ रहे हैं। पहला है विश लिस्ट कर पाए, और उसके बाद चार सोशल आइकन है, उसके बाद यहाँ पे पांचवा है पीडीएफ, ये जो डिटेल है पीडीएफ के तौर पे डाउनलोड कर पाए, वो भी आप ऑन कर सकते थे अगर आपके पास प्रो वर्जन होता, बट प्रो वर्जन नहीं है तो आपको ये जो है डिसेबल ही मिलेगा फीचर। अब अकाउंट का, अकाउंट के हमने सारे पेज लगा लिए और बायर भी हमारे जो है क्रिएट कर पाए अकाउंट हमने इनेबल कर रखा है। अगर हम डिसेबल कर देंगे तो कोई भी यहाँ पे अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाएगा, सिर्फ लिस्टिंग देख पाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप अकाउंट रजिस्ट्रेशन जो है अपनी साइट पे ऑन रखना चाहते हो या नहीं। एससीओ का ये है कि आपको एससीओ की डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी कि कितना क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे, लाइक द प्रॉपर्टी बिल्ड वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे पूरे का पूरा डिटेल है, ऑटोमेटिकली उठा रहा है इन शॉर्ट कोड की वजह से। और ये जो डिटेल है वो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो आपने ऊपर डाल रखा होगा वही यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेटा बन रहा है। अगर आप थोड़े और शॉर्ट कोड यूज़ करोगे तो आप और भी अच्छा यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन लिख पाओगे इसके थ्रू, ठीक है ना। क्योंकि आप हर एक पोस्ट की अलग अलग होगी, लाइक उसका ईयर अलग होगा तो वो ऑटोमेटिकली उस पोस्ट का ईयर उठा के यहाँ पे लगा देगा। और यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा बड़ा सा पैरा लगा सकते हैं जिसमें ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, आपको कोई अलग से चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर यहाँ पे आप एक बार बना देते हो तो। तो चलिए ये सारी सेटिंग थी हमने देख ली, बट अभी हमें फिर भी करेंसी ऐड करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमें अदर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे हम देख ही लेते हैं डाटा मैनेजर में जाके, डाटा मैनेजर है यहाँ पे, आप अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी आपका स्टेटस ओपन है तो आप ये कर सकते हो, स्टेटस सोल्ड भी हो सकता है भाई कि जो चीज़ है उसका स्टेटस सोल्ड है। आप अलग भी और भी ऐड कर सकते हो, लाइक आप मान लीजिए क्लोज भी हो सकता है, स्टेटस ओपन है तो क्लोज भी हो सकता है, या आप जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो, बट हमने तीन स्टेटस रख रखे हैं। अब कैटेगरी क्या है हमारी, दो कैटेगरी है कि कोई भी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो रेंट पे ले सकता है, सेल पे ले सकता है, वो आप डिफाइन कर सकते हो कि वो प्रॉपर्टी किस लिए है, रेंट पे है या सेल पे। अगर आपको इससे अलग आपको कुछ रखनी है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद टाइप क्या है, आपका जो प्रॉपर्टी है वो अपार्टमेंट है, हाउस है, ऑफिस है, स्टूडियो है, जो भी आपको रखनी है। यहाँ पे तीन चीज़ें दे रखी है, इसके अलावा कुछ और भी आपको ऐड करना है वो भी आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि उस प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के बाद उसे आप टाइप दे सकते हो कि ये प्रॉपर्टी उस रिलेटेड है। अब रेंट पीरियड क्या है, पर मंथ है, एवरी ईयर है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे अभी पर मंथ लिख रखा है, जो पीरियड है किसका वो है रेंट का, ठीक है ना। और अब चलिए चलते हैं फीचर्स के अंदर। फीचर में हमारी जो फीचर है वो कुछ है, ये है कूलिंग, गैराज, गार्डन, हीटिंग, पार्किंग, स्विमिंग पूल। वैसे नीचे अमेनिटीज में है डिशवाशर, आयरन, माइक्रोवेव, ओवन, टीवी एंड वाईफाई। अदर चीज़ें अगर आप और भी लगाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, बाकी अभी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आपको, आपका है प्रॉपर्टी के अंदर ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल आप लगाइए। आप यहाँ पे मल्टीपल जितनी चाहे उतने आइटम ऐड कर सकते हो। लेबल्स में यह है कि फीचर को लेबल क्या मिलेगा, ब्लू वन, जो स्काई ब्लू जो है या ओशियन ब्लू था वो, तो ये फीचर का ये है ओशियन ब्लू वाला है, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद फोरक्लोज का क्या है, ये ब्राउन टाइप का है। ये होट का क्या है, ये ऑरेंज है, ऑरेंज है, येलो, आई डोंट नो, कलर ब्लाइंडनेस है मेरे को, तो मैनेज कर लेना। ओपन हाउस है, ये क्या है, ये ग्रीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अगर और भी ऐड करने हैं, क्योंकि यहाँ पे पांच कलर है जिसमें से एक खाली रह रखा है, अगर किसी और को कुछ और कलर भी देना है तो यहाँ पे आप एक न्यू आइटम क्रिएट करके वो भी कर सकते हो। करेंसी हमारे पास यहाँ पे चार ही है, बट मेरे को और भी चाहिए, यानी कि INR चाहिए, तो मैं INR चूज कर रहा हूँ। और इसका सिंबल क्या होता है, वो होता है इंडियन में, तो मैं यहाँ पे INR के लिए इंडियन चूज कर रहा हूँ अपने सिस्टम की लैंग्वेज। और यहाँ पे ये सिंबल करा और ऐड न्यू करा। अगर आपको नहीं आता ये रुपए का सिंबल बनाना तो इंडियन रुपी सिंबल आप लिख सकते हो यहाँ पे, रुपी सिंबल, और ये आपके पास आ जाएगा। देन ये कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा हो गया। डायमेंशन आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे पहले से स्क्वायर फीट में, मीटर स्क्वायर में, और एकर्स में, हेक्टेयर्स में, मीटर में, मीटर क्यूब में, ठीक है ना। और उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा कंट्री, स्टेट, प्रोविजन, यहाँ पे कई सारे ऐड होंगे। लाइक कंट्री मान लीजिए मैं इंडिया है, इंडिया ऐड करना चाहता हूँ, इंडिया ऐड करा मैंने,
और आइटम डजेंट क्रिएट प्लीज कॉन्टेक्ट सपोर्ट। ओके, तो इसके लिए आपको अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, वो शायद अंदर से क्रिएट होगा जब हम प्रॉपर्टी डालेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास कुछ ये हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। और अगर मैं दोबारा सेटिंग में जाऊं और यहाँ पे मैं अपनी जो करेंसी है वो इसकी जगह मैं रुपीज़ चूज करूं तो वो हो जाएगा मेरा। और कैसे फॉर्मेट में चाहिए, मैं चाहता हूँ कि हमारे रेट के बाद जो है डबल जीरो भी आए डॉट के बाद, और ये हो गया। एंड रिफ्रेश करें तो डॉलर से ये रुपी साइन में हो गया। तो इतना हो गया हमारा और ऑलमोस्ट ये काम हो चुका है। बस अब हमें लिस्टिंग ऐड करना और जो फूटर का जो एक बार है वो क्रिएट करना देखना है। और अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे फीचर का कहाँ पे आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे फीचर पे क्रिएट करा बट देखूंगा वो नहीं मालूम, तो उसके लिए मेरे को एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा जो कि यूजर्स एक्सेस कर पाए। तो पेज में जा रहा हूँ मैं, ऐड न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, और एड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं ये लिख रहा हूँ प्रोफाइल। ये हमारा प्रोफाइल का पेज होगा और इसके लिए एक शॉर्ट कोड है जिसका नाम है ES_profile। और उसके बाद मैं पब्लिश करूँ और ये विदाउट साइड वर्क चाहता हूँ, तो मैं पेजेस में जा रहा हूँ और यहाँ पे विदाउट साइड वर्क सेलेक्ट करके पब्लिश पे क्लिक करा। एंड अब मैं एक बार देखना चाहूँ तो आप देख पाओगे हमारे पास प्रोफाइल का भी आ रहा है जो कि यूजर प्रोफाइल एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे सेव्ड होम में हमने जो अभी फीचर करा था वो हमारे पास आ रहा है। मान लीजिए मैं एक से ज़्यादा करना चाहता हूँ फीचर कि हाँ मेरे को ये जो प्रॉपर्टी है इन फ्यूचर द्वारा देखनी है इसके अपडेट, तो सिंपली प्रोफाइल में जाऊंगा मैं अपनी और यहाँ पे प्रोफाइल में मैं देख पाऊंगा। यहाँ पे इसका व्यू दो दो है, आप तीन करना चाहे तो कर सकते हैं, बट अभी के लिए मेरे को अंदर से कोई ऐसी सेटिंग नहीं मिली जहाँ पे मेरे को तीन का ऑप्शन दिखे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हो ये प्रोफाइल का जो ऑप्शन है ये कोई भी यूजर विदाउट अकाउंट क्रिएट करे एक्सेस कर सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही उसे प्रोफाइल का दिखे। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लॉगिन लॉगआउट करेंगे तब भी ऊपर दिखेगा, ये डायनामिक नहीं है। तो डायनामिक बनाने के लिए मैं को प्लगइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। आपको भी सेम करना होगा अगर आपको डायनामिक करना है, क्योंकि हो सकता है जैसे कि मैंने लॉगिन कर रखा है फिर भी मेरे को लॉगिन रजिस्टर का दिखा रहा है क्योंकि मैं एडमिन हूँ और लॉगिन रजिस्टर का फिर भी दिखा रहा है, बट यहाँ पे यूजर भी लॉगिन करके तब भी उसे लॉगिन रजिस्टर का दोबारा दिखाएगा। मैं चाहता हूँ लॉगिन कर रखा हो तो ये ना दिखाए, उसकी जगह कुछ और दिखाए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ लॉगिन लॉग आउट, ये मैंने सर्च करा, लॉग आउट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे लॉग आउट लिखा और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाए लॉगिन लॉग आउट का जिसे हम इस्तेमाल कर पाए अपने मेन्यू बार में। ये है, हम इसे इंस्टॉल करते हैं। आप देख लेना ये विनोद ऑथर है जिसने ये क्रिएट करा है। अब सिंपली इसे एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद सिंपली अब क्या करना है, हमें सिंपली अपीयरेंस में जाना है और अपीयरेंस में जाने के बाद हमें मेन्यूज पे जाना है क्योंकि हमें ऊपर की सेटिंग करनी है। नीचे आपको मिलेगा लॉग इन लॉग आउट एंड रजिस्टर का, सिंपली हमें लॉग इन लॉग आउट रजिस्टर और प्रोफाइल का चाहिए। मैं सिंपली ऐड टू मेन्यू पे कर रहा हूँ और ये जो प्रोफाइल का पेज है मैं अभी के लिए ये वाला काट रहा हूँ और ये जो कॉन्टैक्ट अस का मैंने बिना बात के काट दिया। ये हुआ लॉगिन लॉगआउट रजिस्टर और प्रोफाइल का, ऐसे आएगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ रजिस्टर प्रोफाइल लॉगिन लॉगआउट, ठीक है ना। और अभी के लिए मैं ये सेव कर रहा हूँ और इसे मेरे को लिंक देनी पड़ेगी जिससे ये पहचान कर पाए कि कौन सा क्या है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं जा रहा हूँ इसकी सेटिंग में। तो सेटिंग में आपको लॉगिन लॉगआउट रजिस्टर का मिलेगा और यहाँ पे डालता हूँ लिंक। तो ये जो पेजेस का ऑप्शन है मैं ऑल पेजेस न्यू में ओपन कर ले रहा हूँ और सबसे पहले हमारा क्या है, लॉगिन का पेज है ये, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो लॉगिन URL हमारी रहेगी ये वाली और रजिस्टर वाली URL हमारी रहेगी ये वाली। तो ये वाला हम कॉपी करते हैं, रजिस्टर की URL ये है और प्रोफाइल की URL हमारी रहेगी ये वाली। ये कॉपी करे हमने URL और ये वाली हमने पेस्ट करा। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ पे रिडायर करे लॉगिन करने के बाद। मैं चाहता हूँ कि मेन साइट के ऊपर रिडायर करे लॉगिन करने के बाद और लॉगआउट करने के बाद भी मेन साइट पे ही रिडायर करे और रजिस्टर करने के बाद भी जो है ये जो है मेन साइट पे रिडायर करे। और उसके बाद सेव ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो, अब हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करें तो आप देखोगे हमें सिर्फ प्रोफाइल दिखा रहा है, लॉगआउट दिखा रहा है। लॉगआउट करते ही हमारा जो लॉगआउट हो जाएगा और हमें रजिस्टर और लॉगिन का दिखाएगा। और देखोगे आप यहाँ पे हमारे पास ये लॉगआउट हो चुका है और मेरे को यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके है और यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे हमारे पास ना रजिस्टर का आ रहा है ना लॉगिन का आ रहा है, बट प्रोफाइल पे क्लिक करूँ तो हमारी प्रोफाइल आ रही है। तो ऐसे करके आपका ये पूरा का पूरा डायनामिक हो गया है। तो होपफुली मेरे को लगता है कि आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आए दोबारा बोलूँगा कमेंट कर सकते हो। और दोबारा ये भी बोलूँगा यदि आपको कोई वेबसाइट क्रिएट करना सीखना है और उसका ट्यूटोरियल ऑनलाइन नहीं मिल रहा
चाहे वो वेबसाइट हो या एप्लीकेशन हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो सिंपली आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट में, और हम कोशिश करेंगे फ्री चीज़ों को इस्तेमाल करके उसके ऊपर ट्यूटोरियल लाने की, ठीक है ना। यदि हाँ हो सकता है कई बार कई चीज़ें पेड से ही पॉसिबल हो पाती हैं, तो कई सारी वीडियो में आपको पेड चीज़ें भी दिखेंगी, बट हम स्टार्टिंग यही करेंगे कि आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट अपना रिसर्च करके आपको अच्छी से अच्छी वेबसाइट क्रिएट करना सिखा पाए, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको जो भी वेबसाइट क्रिएट करना सीखना है आप रिक्वायरमेंट लिख सकते हो, उस वेबसाइट की लिंक दे सकते हो, या जो भी आपको देना वो दीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आए या कुछ पूछना चाहते हो तब भी आप कमेंट कर सकते हो, और मैं बोलूँगा कुछ भी नहीं करना, तो सिंपली ये बता दो कि आप कौन हो, कहाँ से देख रहे हो, जिससे कि एंगेजमेंट बढ़े और ये वीडियो या ये चैनल और लोगों को भी रिकमेंड हो। एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए सिंपली ये बता देना कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो और आपका नाम क्या है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमें बस फूटर कंप्लीट करना है और एक लिस्टिंग क्रिएट करके देखनी है, बाकी सारी चीज़ें का हमारा काम हो गया। अगर मैं ये ओपन करूँ, हाँ ये पेज आप तभी वर्क करेगा जब आप SMTP सेट करोगे। SMTP सेट करने के लिए आप ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हो, और अभी हम लोकल होस्ट पे हैं तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी SMTP की डिटेल नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। और यहाँ पे और भी फीचर ऐड करते हैं, चलिए एक लिस्टिंग करते हैं, उसके बाद फोटो क्रिएट करते हैं और हमारी जो वीडियो है वहाँ पे एंड हो जाएगी। तो माय लिस्टिंग में सारी लिस्टिंग आ रही है, ऐड न्यू लिस्टिंग में हमें ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करना पड़ेगा, या तो ऐड न्यू पे करते थे तब भी आ जाता, बट मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ जो पहले से क्रिएट है उसे एक बार एडिट करके, यहाँ पे ये वाली क्रिएट एडिट करके। यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी का नाम आ रहा है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ रहा है, और यहाँ पे कैटेगरी चूज करी है कि ये किस लिए है, फॉर रेंट है, फॉर सेल है, तो मैंने ये फॉर सेल चूज करा है। स्टेटस क्या है, ओपन है, क्लोज है, जो भी आपको करना है, यस सोल्ड है, ये आपको लगा देना है। तो यहाँ पे अभी हमारा ओपन है। यहाँ पे थोड़ा मैटर डिस्क्रिप्शन है, यानी कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, जो भी इसका ऊपर डिटेल डाले, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं जो कि गूगल सर्च इंजन में दिखे। उसके बाद है कि ये प्रॉपर्टी क्या है, ये ऑफिस है, हाउस है, या कोई बंगलो है, कुछ भी है, यहाँ पे आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। और अगर आपको एक्स्ट्रा लगाने हैं सिंपली आप इसके यहाँ पे जाके डाटा मैनेजर में और भी कई सारी टाइप क्रिएट कर सकते हो। फीचर में आप बता सकते हो कि इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या फीचर है। अगर रेंट में है तो जाहिर सी बात है आपको अमेनिटीज भी बतानी पड़ेगी, बट फिर भी यहाँ पे फीचर आप बता सकते हैं कि कूलिंग, गराज, गार्डन, हीटिंग, जो भी है वो सारी चीज़ें आपको रखनी है। अगर ये रेंट की प्रॉपर्टी होती है, हालांकि ये जो है फॉर सेल है, रेंट की होती, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता कि भाई ये जो रेंट पीरियड है वो क्या है, मंथली है, ईयरली है, क्या है, वो आपको देना पड़ता। बाकी अमेनिटीज हैं जो कि यहाँ पे लगा रखे, अगर कोई एक्स्ट्रा आपको ऐड करनी है सिंपली आप ऐड भी कर सकते हो। टैग अगर आपको देने हैं तो वो आप दे सकते हो। अब मेन चीज़ क्या है, हमारी यहाँ पे डिटेल है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बेडरूम कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, फ्लोर कितने हैं, सबसे पहले प्राइस कितना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, प्राइस आपको डालना पड़ता है। ओपन हाउस यानी कि जो ये प्रॉपर्टी है, ये ओपन हाउस है या नहीं, यस करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा ओपन हाउस में यस, अगर नहीं करोगे तो नो लिखा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यस कर दे रहे हैं। और ये हॉट है, यानी कि अभी ये जो प्रॉपर्टी ट्रेंडिंग पे चल रही है, यानी तो ये हॉट पे कर दिया। और फोर क्लोजर ये यस नो आप कर सकते हो, जिसकी उस सेक्शन में आएगा। और फीचर्ड है, यानी कि फीचर्ड के सेक्शन में आ जाएगी, फीचर्ड पे कर दोगे तो। प्राइस नोट यहाँ पे ऑप्शनल प्राइस नोट, अगर आप लिखना चाहते हो कि ये जो प्राइस है नेगोशिएबल है या क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हो जो कि प्राइस के नीचे आ जाएगा। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसमें लिखा है अवेलेबल नाउ है, कि ये जो प्रॉपर्टी है इतने रेट में अवेलेबल है, आप खरीद सकते हो। बाकी ज़्यादा ही प्रॉपर्टी का रेट है, बस आप दिखाने के लिए ज़्यादा दिखाना चाहते हो, नीचे लिख रखा है आपने कि नेगोशिएबल है, तो आपको प्रॉपर्टी के यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये जो है प्राइस का नोट, कि ये जो नेगोशिएबल प्राइस है आप हम नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉल फॉर प्राइस यस करोगे तो यूजर कॉल कर सकता है प्राइस के लिए, बोल सकता है, यानी कि बेडरूम कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, फ्लोर कितने हैं, वो आप सेलेक्ट करना है। एरिया कितना है, यानी कि बहुत ही कम, 0.8 स्क्वायर फीट कुछ एरिया नहीं होता, बट लॉट साइज क्या है वो आपको रखना है। किस टाइम ये प्रॉपर्टी बिल्ड हुई है वो आपको रखना है, जैसे कि 2029 में जो है ये जो प्रॉपर्टी है वो बिल्ड हुई है। और आपको अदर और भी चीज़ें रखनी है, लाइक आए तो प्लॉट साइज कितना है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आप और भी एक्स्ट्रा फील्ड लग सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शन भी है कि आप एक्स्ट्रा फील्ड अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना।
उसके बाद एड्रेस यहाँ पे आप गूगल मैप ऐड कर रखे होते, सेटिंग ऐड कर रखे होते, तो यहाँ पे पिन भी कर सकते थे एड्रेस, जिससे कि वो गूगल मैप में भी वो एड्रेस देख सकता था, वो प्रॉपर्टी देख सकता था। उसके बाद है मीडिया, यदि आपको वीडियो लगानी है तो वीडियो भी लगा सकते हो। लाइक मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हम अपनी वीडियो ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं मान लीजिए शेयर पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे एम्बेड कोड लेते हैं, और ये पे मैंने कॉपी कर लिया, और एक बार मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो आप देख पाओगे हमारे यहाँ पे ऐड इमेज करने के लिए आप इमेज भी ऐड कर सकते हो, बट फिर भी हमने एम्बेड कोड ऐड कर दिया। और एक बार मैं पब्लिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपका जो है यहाँ पे हमारे पास ये जो है नीचे आप देखोगे हमारे पास वीडियो आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वीडियो भी देखने को मिल रही है, वॉच ऑन आ रहा है कि आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हो ये वीडियो। वैसे इसका जो रेजुलेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि हाइट विड्थ जो भी आपको रखनी है, जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे है इमेजेस, ये जो मेन इमेजेस है वो कैसे डाले, तो उसके लिए है आपके पास ऑप्शन ये ऐड इमेजेस का। चलिए हम कुछ इमेजेस ऐड कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मेरे को इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। फॉर नाउ मैं इस जो लिस्टिंग है उसकी मैं एक बार एक इमेज जो है वो कर लेता हूँ डाउनलोड, और वही अपलोड करके एक बार देखते हैं। हमारे पास साइट काफ़ी देर में लोड हो रही है इनकी, इनका सर्वर ठीक नहीं है, मेरा नेट ठीक है, इनका सर्वर ठीक नहीं है। यहाँ पे मैं जो ये है ओपन कर लेते हैं सारी की सारी इमेजेस, 2-3 एंड ये वाली हो गई ना, ये भी हो गई, ये भी हो गई, एंड लास्ट वन इज दिस, ठीक है। ये जो इमेजेस हैं हमने ओपन कर लिए, और ये वाली मैं सेव कर लेता हूँ वन बाय वन, तो ये री एंड ये री और लास्ट वन इज दिस। तो ये उठा रहे हैं हम, और ये इसी में हमने प्राइवेट विंडो में ही हम ये काम कर रहे हैं। एक हो गई, दूसरी, तीसरी एंड लास्ट वन। तो हमारी ये जो चारों इमेजेज है हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड हो गई। और आप इसे कर सकते हो, मूव कर सकते हो कि कौन सी हमारी फर्स्ट में दिखे, कौन सी सेकंड में दिखे, वो सारी चीज़ें। ये ऐड होने के बाद सिंपली आप यहाँ पे अपडेट कर दोगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपकी जो इमेजेज हैं वो सारी आ जाएंगी। और फॉर नाउ देखते हैं, हमारी इमेजेज अभी नहीं आई, वेट, नीचे भी नहीं आई। ओके, ये जो प्रॉपर्टी है ये दूसरी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी ये वाली है, तो ये वाली मैं एक बार ओपन करूँ तो इसमें देखते हैं एक बार। हाँ, ये रही हमारी, ठीक है ना। तो ये फीचर पे भी था, होट पे भी था, ओपन हाउस में भी था। आप देखोगे ये था हमारा लाइक यहाँ पे है हमारा, फीचर में भी था, ओपन हाउस में भी था, होट में भी था, तो तीन हमारे पास सारे थे। यहाँ पे चौथा भी कर दोगे तो चौथा भी आ जाएगा। यहाँ पे अपडेट करा, और आप देख रहे हो यहाँ पे वो आ रहे हैं, हमने जब सेटिंग में से करा था कि हाँ सिंगल पेज पे भी ये जो हमारे हैं बैजेस दिखे, तो ये यहाँ पे भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चौथा भी हमने कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी इमेजेस है, कोई ओपन करेगा तो कोई ओपन करने के बाद देख भी सकता है, जो भी उसे देखना है, ठीक है ना। और अगर मैं ये सारी डिसेबल कर दूँ कि ओपन हाउस को छोड़ के बाकी सारी डिसेबल हैं, और अपडेट पे क्लिक करूँ और रिफ्रेश करूँ, तो आप देखोगे हमारे पास यही आ रहा है, ओपन हाउस ही आ रहा है। अगर मैं बोलूँ ओपन हाउस भी नहीं है और सिंपली अपडेट करूँ, तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे वो नहीं आएगा, बट हमारी जो भी इमेजेज है वो आ रही है, नीचे हमारा ये भी आ रहा है, ठीक है। अगर आप एक और चीज़ ऐड हो सकती थी, वो था मैप, जो कि सिर्फ API की डालने के बाद ही होगा उसका काम, तो वो आप वैसे कर सकती हो। अब यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि रह रही हैं। और जैसे कि आप फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो, और वो आपके ऊपर है कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपको इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो वो बाय CSS आप कर सकते हो, यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। बट अगर आपको इनकी तरफ से ऑप्शन चाहिए कि हाँ सारी चीज़ें वन क्लिक में हो जाए, तो उसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, वरना वैसे भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी उसकी हमारी इमेजेज आने लगी, चार इमेजेज है इसके अंदर, एक ये छोड़ के, ये देख रहे हो आप चार ही है छोड़ के नहीं, सारे ऐड करके, ठीक है ना। तो यही था, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है कैसे बनती है एक प्रॉपर्टी साइट। और अगर प्रीमियम फीचर के साथ आप चाहते हैं तो उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी लेके आ सकते हैं। लास्ट चीज़ जो हमारी रह रही है वो है फूटर, जो कि हमें क्रिएट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, मैं अगर ये सारी चीज़ें काट दूँ
और नीचे आप देखोगे हमारे पास है एक फुटर, ये हमारे पास क्रिएट हो सकता है। हालांकि ये आप देख रहे हो ना, ये चीज़ें प्रीमियम में है, ये आपको वैसे देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको पैसा देना पड़ेगा तभी आएगा। डॉक्यूमेंट भी प्रीमियम में है, आपको कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई नहीं होगा। हालांकि वीडियो प्रीमियम में नहीं है तो वीडियो आप कर सकते हो ना, मैप प्रीमियम में है। ये सर्च टूल है वो आप साइड में भी लगा सकते हो यूजिंग विजिट्स, तो विजिट्स में आपको सिंपली जाके आप ये भी ऐड कर सकते हो, ये है आपका विजिट्स, और यहाँ पे आपको साइड बार लगाना है पेज का साइड बार, इसके अंदर आप डाल सकते हो यहाँ पे सर्च का, और वहाँ पे वो सर्च का आपका शो होने लग जाएगा, ठीक है ना। बट अभी के लिए हमें फूटर में चाहिए, तो फूटर का हमारा कौन सा है, ये बॉटम कलर वाइड वाला है, और ये हमारा फूटर का। तो इसमें सबसे पहले मेरे को अबाउट का चाहिए, तो मैं सिंपली टेक्स्ट टेक्स्ट करूँगा, और ये हमारा बॉटम कलर वाइड है, ऐड विजिट पे क्लिक करा, और यहाँ से जो डिटेल है, मान लीजिए मेरे को डिटेल चाहिए, अगर हमने खुद की भी बना रखी हो, यहाँ पे नहीं आ रही, तो चलिए यहीं से हम ये जो डिटेल है थोड़ी सी ये उठा ले रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लिख रहा हूँ अबाउट अस, ठीक है ना, ये लिख दिया और सेव करा, और एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास आ रहा है हमारे फुटर में, यानी सॉरी यहाँ पे, और देखते हैं, आप देख रहे हो हमारे पास अबाउट अस का आ गया। ऐसे हम कई सारे सेक्शन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अभी तो हमने सिर्फ अबाउट अस करा है, और मान लीजिए मेरे को इसके अलावा कुछ पेजेस भी ऐड करने हैं, तो मैं पेजेस को भी ऐड कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट करा, हमारा बॉटम में आ गया, टाइटल दे रहे हैं हमारे, इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ पे दे रहा है कि सारे के सारे पेजेस आ जाएंगे, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ पेजेस ना आए, उसे मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे हमारे पास सारे पेजेस आ गए, बट मैं चाहता हूँ सिर्फ होम आए, प्राइवेसी पॉलिसी आए, टर्म्स ऑफ सर्विसेज आए, और लास्ट कॉन्टैक्ट अस आए, तो यही चारों आए और बाकी एक्सक्लूड हो जाए। तो उसे एक्सक्लूड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेजेस में जाना है और सबकी आईडी देखनी पड़ेगी, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या नहीं चाहिए उसकी आईडी मैं लगा सकता हूँ, और वो सारे के सारे नहीं दिखेंगे। तो मेरे को लॉगिन नहीं चाहिए, प्रोफाइल नहीं चाहिए, रजिस्टर नहीं चाहिए, रीसेट पासवर्ड नहीं चाहिए, और सर्च नहीं चाहिए, तो इनकी आईडी देखनी पड़ेगी। इसकी आईडी है 8, तो मैं यहाँ लगाता हूँ कि 8 आईडी वाला जो पेज है वो ना दिखे। दूसरे की आईडी है 39, तो ये 39 वाला जो आईडी वाला ये भी ना दिखे। थर्ड वन है 12, 10 और 16, 12, 10 एंड 16 सेव करा। जितने भी हमने आईडी लगाई है पेज की वो सारे के सारे हट गए होंगे और हमारे पास वही आया होगा जो हमने रखे होंगे। अब रीसेट पासवर्ड वाला हमें और देखना है, रीसेट पासवर्ड का ये था 10 वाला, हाँ 16 की जगह हमें 10 करना है, यहाँ पे सेव करा, और आप देखोगे हमारा ये 10 वाला भी नहीं आएगा, हो गया, ठीक है। अब थर्ड वन हम एक और कर सकते हैं, लाइक आप अलग चीज़ें और भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लाइक अबाउट अस डाला है हम, जैसे कि वो लिख देते हैं मोर इन्फॉर्मेशन या अदर स्टफ जो भी आपको करना है। टेक्स्ट में मैं एक और कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे है लाइक मेम्बरशिप, जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपली आप जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, और मैं यहाँ पे लाइक ये जो है टेक्स्ट थोड़ा सा ये उठा के ये कर रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा वैसे टेक्स्ट जो भी मैंने यहाँ पे अभी लगाया है, ये हो गया। तो ऐसे करके आप यहाँ पे मल्टीपल डाल सकते हैं, जितने भी डालोगे उतने कॉलम बन जाएंगे, 3 डाले 3 कॉलम बन गए, और ये हमारा फुटर भी रेडी हो गया। अब मान लीजिए आपको इसके नीचे कुछ लिखना है, या आपको इतना पेज अच्छा नहीं लग रहा है, या ये आपको मेन पेज ऐसा चाहिए ही नहीं, आपको एक जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है या प्रॉपर्टी एजेंट है उसके बारे में मेन पेज चाहिए, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें चाहिए। हालांकि हमने अबाउट का कोई पेज नहीं बनाया, वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, बट फिर भी आप चाहते हो होम पे बस हमारे प्रॉपर्टी ब्रोकर जो है या हमारी प्रॉपर्टी जो कंपनी है प्रॉपर्टी ब्रोकर वाली उसके बारे में डिटेल आए, तो उसके लिए आप खुद का पेज डिजाइन कर सकते हो, या इसके नीचे भी थोड़ी डिटेल लिखनी है वो भी आप कर सकते हो। वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली आपको पेज में जाना है, और ये हमारा फ्रंट पेज है, तो फ्रंट पेज आपको एडिट करना है, और इसके अंदर जो भी आपको ऐड करना है वो आप कर सकते हो। लाइक मैं चाह रहा हूँ भाई यहाँ पे मेरे को, मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, मैं पैटर्न में ले रहा हूँ, और पैटर्न में हमारे बटन कॉलम में हमारा ये है, और मान लीजिए मेरे को ये चीज़ चाहिए, ऐसे ऑप्शन चाहिए, और मैंने अपडेट कर दिया, तो आप यहाँ पे देखोगे इसके नीचे हमारे पास वो डिटेल भी आ रही है, देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये हमारी डिटेल आ गया। तो कैसे भी आप जो भी आपको यहाँ पे ऐड भी करना है ना कुछ डिटेल्स, वो भी आप ऐड कर सकते हो। लाइक मेरे को थोड़ा अलग चाहिए, लाइक मेरे को इसके नीचे चाहिए, मान लीजिए टेक्स्ट में नहीं करा, या मेरे को ऐसे ये जो है कोड चाहिए, या इसके अलावा मैं बोलाऊँ मेरे को हेडर में लाइक ऐसी चीज़ें चाहिए हैं,
ये आप कुछ भी ऐड करते जाओगे आपके पेज में वो चीज़ ऐड होती जाएंगी। और मान लीजिए मेरे को गैलरी चाहिए, तो गैलरी में हमारे पास दो इमेजों के साथ ये हैं, तो मैंने अपडेट करा तो आप देखोगे हमारे पेज में, उस पेज में वो आ गई। आप ऊपर से वो जो जो भी आपने ये लगाया ये हटा सकते हो, अपने जो है पूरा पेज डिजाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा आ रहा है और ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, जो कि हमारे फूटर से भी आ रहा है, यानी कि ये जो थीम है उसका होम पेज भी हैंडल नहीं कर पा रहा ये जो चीज़ है हमारी इस चीज़ को। तो ये चीज़ हम हटा ही देते हैं ना, ये ये हमने रिमूव करा और अपडेट करा, आप देखते हैं, देख रहे हो ये पूरा का पूरा हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। तो ऐसे करके आप लगा भी सकते हैं कुछ भी चीज़ आपको ऐड करनी है, दो कॉलम लगाने हैं, अबाउट अस लगाना है या डिज़ाइन करना है। एक ये जो ग्यूटेनबर्ग है ना, ये काफ़ी अच्छा है, कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबल है। आप जो भी पेज स्टाइल है, पोस्ट स्टाइल है, दोनों आप ग्यूटेनबर्ग के थ्रू कर सकते हो। अगर नहीं आता आपको यूज़ करना, मैं रिकमेंड करूँगा आपको, ये जो हमारी एक ट्रेनिंग है मैंने पूरी कोर्स दे रखा है इसके ऊपर, ग्यूटेनबर्ग प्लस में एक्स्ट्रा जो अलग प्लगइन से भी एक 41 ब्लॉक्स ऐड करके उनकी भी ट्रेनिंग मैंने दे रखी है, ये पूरी 1.5 घंटे की है। पूरा कर लोगे आपको हर तरह का पेज या पोस्ट ग्यूटेनबर्ग से जो भी पॉसिबल है वो आपको क्रिएट करना है, इस वीडियो के थ्रू आ जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे आप चेक कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप पेज चाहते हो होम पेज वो आप जाहिर सी बात है डिजाइन कर सकते हो। तो रिफ्रेश करा, हमारा पूरा का पूरा ये आ रहा है। और एक बार मैं ये जो है हमारी साइट पूरी, ये है हमारी पूरी साइट, प्रोफाइल आ रही है, होम आ रहा है, अबाउट कॉन्टैक्ट वो डाल सकते हो, यूजर आके प्रॉपर्टी देखेगा, डिटेल लेगा, वीडियो देखेगा और आपको मैसेज कर पाएगा। अदर डिटेल अगर आपको चाहिए तो सिंपली आप उसके लिए यहाँ पे लिख रहा है कॉल फॉर प्राइस। हमने क्या कर रखा था इसमें, कॉल फॉर प्राइस हमने कर रखा था। तो ये बोला मैं अगर आपको एक मिनट, यहाँ पे हमें सेटिंग में, रीडिंग में और जनरल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे HTTP की जगह एक बार HTTPS कर देते हैं क्योंकि हम वो कर रहे हैं, एंड एक बार एडमिन करते हैं, हो गया। और जो हमारी ये पोस्ट है ये वाली, इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार और एक बार व्यू करते हैं। और जो हमारा ये जो कॉल फॉर प्राइस था ना, हमने वो करा था कि हमने प्राइस दिया ही नहीं था, कॉल फॉर प्राइस रख दिया था। तो एडिट प्रॉपर्टी करते हैं और यहाँ पे हम कॉल फॉर प्राइस से हम हटा देते हैं और जैसे कि जो हमने ऊपर प्राइस दिया है वो हमारा आएगा, ठीक है ना। तो सिंपली अपडेट करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, हमारा ऊपर का जो प्राइस है वो आ रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है इससे अदर जो भी आपको और भी चीज़ें ऐड करनी है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। आपके पास सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, आपको कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको वैसे एडवांस चाहिए तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको चीज़ें परचेज करनी पड़ेगी, बट फिर भी जितने ऑप्शन हैं उसके अंदर भी आप पूरी की पूरी एक बेसिक प्रॉपर्टी एजेंट साइट क्रिएट कर सकते हो। हाँ, अलग अगर आपका ये था कि आपको एक लैंडिंग पेज चाहिए सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर रिलेटेड के, सिर्फ एक कॉन्टैक्ट पेज चाहिए तो वो भी हम क्रिएट कर सकते थे, वो आप बता सकते थे। हाँ, एक और साइट है मैं आपको बताता हूँ, एक है बिल्डोफाई। यदि आपको ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी है तो मेरे को बताना, हम ऐसी वेबसाइट क्रिएट करने जाएंगे। वाओ, अभी ओपन नहीं हो रही, काफ़ी बड़ी साइट है, छोटी साइट नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी की साइट है और जो कि अभी ओपन नहीं हो रही, बट फिर भी अगर आपको ऐसी अभी ओपन हो जाएगी कुछ टाइम में, जैसे ही ये ओपन होती है तो मैं आपको बताऊंगा या आप देखोगे तो आपको मालूम चलेगा। यहाँ से आप ये आर्किटेक्चर रिलेटेड साइट है जहाँ पे कई सारे जो हाउस है उसके आर्किटेक्चर डिटेल्स जो है पूरी दी जाती है मेंबरशिप प्लान के साथ। यदि आपको वैसी वेबसाइट क्रिएट करना सीखना है तो आप बिल्कुल मेरे को बता सकते हैं और उसके लिए आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आप एवरीडे न्यू और ऑल चैनल पे ना देख के ईवीआरडू चैनल पे देख रहे हैं, और बताइए आपको कैसी वीडियो लगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, पहली बार वीडियो देख रहे थे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा उसे प्रेस कीजिए वीडियो के नीचे और बेल आइकन दबा देना जिससे कि जब भी कोई भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप उस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएँ। एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए दोबारा बोलूँगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपका ओपिनियन शेयर कीजिए कमेंट के थ्रू। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।